हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये मेरी गवाही मेरी शहादत मदीने वाले के हाथ में है, मेरी नमाज और मेरी जन्नत मदीने वाले के हाथ में है। सुभान अल्लाह, जहां में आज जो हो चुका साइंस कहता है उसे फलकर भी सादी रात कंप्यूटर बता देगा। कहा मैंने कि सुनादान जो कुछ होने वाला है उसे मेरे नबी के घर का एक नौकर बता देगा, है कि नहीं? हजरात, बहुत ही कम वक्त में आप हजरात ने बहुत ही बामौजू किताब अगर समाज कर लिया है तो यकीन है कि इतिकाद की दीवारों को, इतिकाद की बाजुओं को आप हजरात ने इश्तेहकाम अता कर लिया होगा। बस आप हजरात मोहब्बत और इत्राम के साथ बैठे, देखा भी आप हजरात ने थोड़ी देर पहले मेरे जो रसूल पर दुनिया सुनिया का एक अदीम ले जाए, एक अदीम शाहकार जिसे आज पूरा हिंदुस्तान शहन शाह तरनम भाई कारी अजहर प्रताप कड़ी के नाम से जानता और पहचानता है, वो अदीम लहजा जो है मिंबरे रसूल पर तशरीफ ला चुका है। बस आप हजरात मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठे, इंशाल्लाह थोड़ी ही देर के बाद माइक पे जो है जनाब कारी अजहर होंगे, ये माइक होगा और आप हजरात होंगे। आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। मैं एक नात का शेर पढ़ता हूँ कि ख्याले तैबा मुझे बेकरार करता है। थोड़ा एक अच्छा माहौल बना ले, अच्छा माहौल बना ले ताकि जब यहाँ से जो है एक बेहतरीन तकरीर आपने सुनी हजरत अल्लामा आस मोहम्मद साहब कबला की तकरीर के तवील चादर को ओढ़ने वाले तमाम सामईन को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा नौजवान अशरफी कमेटी के हमारे जितने भी कीमती अहबाब हैं, उन हजरात ने आज के इस अजीम जलसे में ऐसी ऐसी अकरी शख्सियत का इंतखाब किया है जिसमें खसूसियत के साथ खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहब कबला कानपुर शरीफ, जो अपने तकरीर को किस्सों या कहों को फरोग दे करके नहीं कामयाब करते या अपनी तकरीर को कामयाब करने के लिए जो है कीमती जो बहुत दस्तार का सहारा नहीं लेते बल्कि अपनी तकरीर को कामयाब करने के लिए कुरान हदीस का सहारा लेते हैं। वो अजीम खतीब भी बस थोड़ी ही देर के बाद मिंबरे रसूल पे जवाब आ होगा। साथ ही साथ शहजादे मखदूम सिमना हुजूर सैयदी आकई मौलाई हुजूर सैयद अकमल मियां शाह साहब क़िबला हुजूर सैयदी आकई मौलाई हुजूर सैयद कलीम मियां शाह साहब क़िबला भी मिंबरे रसूल पे जवाब आ होंगे और आप हजरात जो है हजरत के चेहरे की ज़ियारत करेंगे। बस मैं शेर पढ़ता हूँ कि ख्याले तैबा मुझे बेकरार करता है, ख्याले तैबा मुझे बेकरार करता है, हमें नबी के जिक्र का दिल इंतजार करता है। ख्याले तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का, नबी के हुक्म का दिल इंतजार करता है, हमें कोई करे या ना करे जिक्रे शाफ़े महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। कोई करे या ना करे जिक्रे शाफ़े महशर, कोई करे या ना करे जिक्रे शाफ़े महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। हज़रात ऐसा नहीं है, खूबसूरत माहौल बनाए कसम खुदा की, ये शोरा इकराम ये उलमा इकराम जो है बड़ी मुश्किलों से आते हैं, वरना ये होता है कि ट्रेनें लेट हो गई या बसें पंचर हो गई वगैरह वगैरह। अलाहाबाद स्टेशन पे जिस ट्रेन का आने का समय सुबह 10 बजे था तो पहली मरतबे ट्रेन अलाहाबाद स्टेशन पे सुबह के 8 बजे आई तो लोग बहुत खुश हुए और ड्राइवर को मुबारकबाद देने के लिए आगे बढ़े तो ड्राइवर ने उसकी वजह पूछी तो लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान को आजाद हुए तकरीबन 68 साल हो गए और कभी कोई ट्रेन वक्त से स्टेशन पे नहीं आई है और ये ट्रेन वक्त से 2 घंटे पहले स्टेशन पे आई है जिसकी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो ड्राइवर ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ये कल वाली ट्रेन है जो 22 घंटे लेट थी, ये कल वाली ट्रेन है जो 22 घंटे लेट थी। अगर आप हजरात ऐसे ही खामोश रहे तो ये हादसा आइंदे साल हो सकता है, है कि नहीं? मेरे नाम पे नहीं बल्कि आका इमाम हुसैन के नाम पे सब अपने दोनों हाथों को उठाएं और बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह कि हर तरफ बहता हुआ रहमत का दरिया देख ले, काश हम भी ऐ खुदा शहरे मदीना देख ले। तुम एक नात का शेर पढ़ता हूँ अगर आप रात यहाँ हैं कि तसव्वुर में अजब तैबा का मंजर जाग जाएगा। देखिए आप इशारे की जबान समझते हैं, जैसे जैसे मौला अली से किसी ने पूछा कि हुजूर मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे नमाज पढ़ने से सुकून नहीं मिलता, तो मौला अली ने फरमाया कि अगर तुम्हें नमाज पढ़ने से सुकून नहीं मिलता तो सुकून से नमाज पढ़ा करो।
है कि नहीं। ये मौला अली ने फरमाया कि अगर नमाज पढ़ने से सुकून नहीं मिलता तो सुकून से नमाज पढ़ा करो। तो आप यहाँ हैं, इशारे की जबान आप समझते हैं, शेर व शायरी अगर आप समझते हैं, अच्छी समातों के आप मालिकान हैं, तो बस आप अपने होने का एहसास जो है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत में करें कि तसव्वुर में, तसव्वुर में अजब तैयबा का मंजर जाग जाएगा, तसव्वुर में अजब तैयबा का मंजर जाग जाएगा, हमें शहे गौनैन की उल्फत का तेवर जाग जाएगा। अब क्या, अब कब बोलेंगे आप हजरात? जब हम सबका माइक पे इंतकाल हो जाएगा तब सुभान अल्लाह कहेंगे। अगर हैं तो अभी बोल ले सुभान अल्लाह, एक मतलब सुभान अल्लाह कहेंगे, कसम खुदा की 90 नेकी लिखी जाएगी। अब सिर्फ वही सुभान अल्लाह कहेगा जिसको नेकियों की जरूरत होगी, वही सुभान अल्लाह कहेगा, सब नहीं सुभान अल्लाह कहेंगे कि तसव्वुर में अजब तैयबा का मंजर जाग जाएगा, तसव्वुर में अजब तैयबा का मंजर जाग जाएगा, शहे कौनैन की उल्फत का तेवर जाग जाएगा। और कहा था मुस्कुरा कर आमिना बीने हलीमा से, मोहम्मद को लिए जाओ मुकद्दर जाग जाएगा। आमिना बीने हलीमा से कहा था मुस्कुरा कर आमिना बीने हलीमा से, कहा था मुस्कुरा कर आमिना बीने हलीमा से, मोहम्मद को लिए जाओ मुकद्दर जाग जाएगा, मोहम्मद को लिए जाओ मुकद्दर जाग जाएगा। बैयत यासर यही था तकाजा यजीद का, बैयत यासर यही था तकाजा यजीद का, मायूस दर से फिर भी सवाली नहीं गया। बैयत यासर यही था तकाजा यजीद का, मायूस दर से फिर भी सवाली नहीं गया। हमें सर दे दिया हुसैन ने, बैयत न की हुसैन ने सर दे दिया उसे, बैयत न की हुसैन ने सर दे दिया उसे, इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। ने सर दे दिया उसे, बैयत न की हुसैन ने सर दे दिया उसे, इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया, इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। अब रात आइए बड़ी तेजी के साथ जो है आप देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पर शहंशाह तरन्नुम भाई कारी सराज कारी अजहर प्रताप गढ़ी साहब की गुलाम मिंबर रसूल पे जवाबार है, लेकिन कसम खुदा की इस बाहरी लहजे से मिलना, इस बाहरी आवाज से मिलना इतना मुश्किल काम है। इस मुश्किल काम को अगर कोई आसान कर सकता है तो वो लहजा है जनाब हाफिज नैयर दोनों हाथों को उठाएं और उस लहजे का इस्तेमाल कर लें। सब लोग उठाएं, सब लोग उठाएं, एक हाथ भी नीचे नहीं रहना चाहिए। एक हाथ सरकारे गौसे पाक के नाम पे उठाएं और दूसरा हाथ सरकारे गरीब नवाज के नाम पे उठा करके इस्तकबाल का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते औलिया कौन करे, फैजाने सैयद अब्दुल शाह अब्दुल लतीफ शाह साहब किबला, फैजाने सैयद अब्दुल लतीफ शाह साहब किबला, फैजाने मखदूम तुमना मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरते जमाल यार ने, बरते जमाल यार ने, हाँ बरते जमाल यार ने, हाँ बरते जमाल यार ने, रखते सुकून जला दिया हर पे जमाल यार ने, हाँ बर पे जमाल यार ने, हाँ बर पे जमाल यार ने, बस बर पे जमाल यार ने, रखते सुकून जला दिया बर पे जमाल यार ने, के बर पे जमाल यार ने, बर पे जमाल यार ने, रखते सुकून जला दिया बर पे जमाल यार ने, रखते सुकून जला दिया हर खाना दिले गुजार ने, खाना दिले गुजार ने, हाँ खाना दिले गुजार ने, अरसे बनी हिला दिया खाना दिले गुजार ने।
عظمت اولیاء کون تھے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خانہ دل گزار نے، ہاں خانہ دل گزار نے عرش بری ہلا دیا، خانہ دل گزار نے شیر ملا خوب ہی دی تسلیاں سینے پہ میرے رکھ کے ہاتھ، خوب ہی دی تسلیاں مجھے، خوب ہی دی تسلیاں مجھے، خوب ہی دی تسلیاں کیا خوب ہی دی تسلیاں، آقا صبر و قرار چھین کے میرا، صبر و قرار چھین کے مولا، صبر و قرار چھین کے درد جگر بڑھا دیا، صبر و قرار چھین کے، صبر و قرار چھین کے میرا صبر، نعرے تکبیر، جواب نعرے تکبیر، نعرے صبر و قرار چھین کر مولا، صبر و قرار چھین کر جانا، صبر و قرار چھین کر، اس نعت پاک میں جو سب سے بڑا شعر ہے، دکھ تو کیا کریم نے برکے جمال یار کو، دکھ تو کیا کریم نے، دکھ تو کیا کریم نے برکے جمال یار کو، دکھ تو کیا کریم نے، کیا دکھ تو کیا کریم نے، جمال یار کو آقا تور کا کیا قصور تھا، مولا تور کا کیا قصور تھا، آقا تور کا کیا قصور تھا، تور کو کیوں جلا دیا، تور کا کیا قصور تھا، مولا تور کا کیا قصور تھا، آقا تور کا کیا قصور تھا، مولا تور کا کیا قصور تھا، تور کے کیوں جلا دیا، برکے جمال یار نے، ہاں برکے جمال یار نے، اور سینے میں ڈھونڈتی ہے کیا میرے، سینے میں ڈھونڈتی ہے کیا تیری نگاہ فتنہ ساز، سینے میں ڈھونڈتی ہے کیا میرے، سینے میں ڈھونڈتی ہے کیا، سینے میں ڈھونڈتی ہے کیا، آقا صبر و قرار چھین کر مولا، صبر و قرار چھین کر، آقا صبر و قرار چھین کر درد جگر بڑھا دیا، صبر و قرار چھین کر، آقا صبر و قرار چھین کر، اور بیدم فقیر چیز کا، چھوڑا
حسن یار کو بن کے جمال شمع رو، بن کے جمال شمع رو، جس پر گری جلا دیا، بن کے جمال شمع رو، جس پر گری جلا دیا، بر کے جمال یار نے، بر کے جمال یار نے، رکھتے سکون جلا دیا۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔